हेलो फ्रेंड, इसका पेपर उनके लिए दोस्तों ये फाइनल सर्वे बेस्ड कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, बात कट ऑफ की वीडियो नहीं डालेंगे और दोस्तों अब तक का जो भी कट ऑफ आया है उसके बेसिस पर बात करेंगे, उसके आधार पर बात करेंगे। 2000 से ऊपर सर्वे आ चुके हैं ऑलरेडी। ये चैनल एक पॉपुलर चैनल था STET कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए और यहाँ पर काफ़ी लोग थे। 2000 से ऊपर सर्वे आ चुका है और उस सर्वे के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी मान लेंगे कि कुछ लोगों ने दोबारा रिपीट किया होगा तो उसकी एक्यूरेसी को भी घटाएंगे, लेकिन जो डेटा देंगे वो तकरीबन सही डेटा देंगे। सबसे पहले दोस्तों, कंप्यूटर साइंस का दो सर्वे क्रिएट किया गया था, एक सर्वे 2000 से ऊपर, वो भी आपको दिखाएंगे लास्ट में। पहले एक दूसरा सर्वे देखते हैं जो कि मैंने सर्वे शुरू करके थोड़ा टाइम के बाद बंद कर दिया था, और उस सर्वे का मकसद यही था कि ये पता किया जाए कि लोगों का जो स्कोर है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अभी दोस्तों एक सैम्पल साइज, छोटे सैम्पल साइज के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है वो सर्वे, छोटा सर्वे, 2000 वाला सर्वे। अभी उसके लिए थोड़ा सा रुकिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, इससे एक आइडिया आपको हो जाएगा कि क्या स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपको मैं जनरल मेल का दिखा रहा हूं। सबसे अधिक लोग जो हैं 24% लोग, वो 105 से 110 के बीच में है। मतलब यही वो कैटेगरी है 105 से 110 के बीच में स्कोर करने और जहां पर सबसे अधिक लोग हैं। उसके बाद देख लें, 25 के बाद दो कैटेगरी में बराबर बराबर स्कोर आया है। 120 के ऊपर वाले हैं 18% और 95 से 100 के बीच वाले भी हैं 18%। ठीक है दोस्तों, तो ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 120 के ऊपर वाले भी काफ़ी लोग, 95 से 100 के बीच वाले काफ़ी लोग, 105 से 110 के बीच भी काफ़ी लोग। बीसी वाले हिस्से में आपको दिखाते हैं, बीसी वाले हिस्से में सबसे बड़ा परसेंटेज 22.9 और ये दो जगह है। ये 80 से 90 के बीच में भी है और ये 105 से 110 के बीच में भी है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्कोर हुआ, क्योंकि दोस्तों इस सर्वे के अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है। 2000 वाला जो सर्वे है उसके अंदर कुछ लोगों ने, हो सकता है कि दोबारा वोट कर दिया होगा, लेकिन इस सर्वे के अंदर रिपीटेशन नहीं है। अगर थोड़ा सैंपल साइज लेके समझना चाहें तो आपको ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो सब जगह है। वो 80 से 85 वाले भी लोग हैं, 85 से 90 वाले लोग हैं, 90 से 95 वाले लोग हैं। ठीक है, ये बात सही है दोस्तों कि काफ़ी लोगों ने ठीक ठाक स्कोर भी कर दिया है। 120 से ऊपर स्कोर बताने वाले भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो हमारा मेन सर्वे है दोस्तों, जिसमें 2000 से ऊपर लोगों ने भाग लिया, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया कि जो स्कोर करने वाले लोग हैं वो तकरीबन बराबर बराबर हर कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, चाहे वो 80 से 85 हो, 85 से 90 हो। अभी मैं आपको मेन सर्वे दिखाता हूँ। ये आ गया जी मेन सर्वे। ठीक है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 2108 इस टाइम पे 2100 लोगों ने, मतलब 1673 सीट है और 2100 लोगों ने 2100 बार, अगर मान लेते हैं कि 30% लोगों ने भी रिपीट किया। हालांकि जब भी मैंने लिंक डाला है तब मैंने ये कहा है कि रिपीट नहीं करना है, आपने जो वोट एक बार दे दिया, पर मान ले 30% लोगों ने भी इसमें रिपीट कर दिया। ठीक है, तब भी 1400-1500 लोगों का इसमें जो वोट है वो जेन्युइन है। 1400-1500 लोगों का आप ही मान सकते हैं, 30% फॉल्ट भी मानते हैं सर्वे में, तब भी 1400-1500 लोगों ने आप मान सकते हैं कि जेन्युइन वोट किया है। अब 1400-1500 लोगों का देखते हैं क्या हाल है दोस्तों। जो बहुत अजीब डेटा है, मतलब 105 से ऊपर स्कोर करने वाले लोग जो हैं वो 60% के आसपास हैं। ठीक है, जनरल मेल सभी कैटेगरी का मैं दिखाऊंगा आपको। बीसी मेल का डेटा अलग तरह का आया है, ईबीसी मेल का अलग डेटा आया है। ठीक है, तो जनरल मेल में तो बहुत धांसू कंपटीशन है, मतलब इस तरह का कंपटीशन है जहां 60% लोग 105 के ऊपर जा रहे हैं, 15% लोग 100 से 105 के बीच में हैं, 95 से 100 के बीच वाले 12% लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये डेटा है कि हमारे तकरीबन 60-70% लोग 100 से ऊपर स्कोर वाले मिल गए हमें। बीसी मेल का हाल देखिए, डेटा बदला हुआ है। 38% लोग हैं जो 105 के ऊपर बता रहे हैं, 17% लोग 100 से 105 के बीच में बता रहे हैं। मतलब कि अगर दोनों को जोड़ भी दें तो 55% के आसपास ही बनता है जो कि गया है 100 के ऊपर। ठीक है, और कैटेगरी का देखते हैं।
सबसे पहले मैं आपको हर एक कैटेगरी का स्कोर दिखा देता हूँ, चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हर एक कैटेगरी को मैं डिस्कस करके फिर मैं फाइनल कट ऑफ आपको मैं बोलूँगा। यह है ईबीसी मेल का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सबसे अजीब डेटा है, 28% लोग कह रहे हैं कि 85 से 90 के बीच उनका स्कोर है ईबीसी मेल का। देखिए यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस मेल का 40% लोग कह रहे हैं कि उनका 105 प्लस स्कोर हो गया, 100 से 105 बोलने वाले भी 20% हैं। एससी मेल का देखिए, ये तो सबसे बुरे हाल में है, क्योंकि 40% लोग, सबसे कम कट ऑफ अभी तक का किसी मेल कैटेगरी में। रिजर्वेशन भी है और स्कोर भी इस कैटेगरी में नहीं उठ रहा है, और जहां पर सीटें कम है वहीं पर स्कोर ज्यादा लोग उठा रहे हैं, मतलब जनरल मेल और बीसी मेल में। जनरल फीमेल का देखिए, सबसे बड़ा कैटेगरी है 31% के साथ 85 से 90 वाला। और ये देखिए बीसी फीमेल का, यहां 35% के आसपास 85 से 90। अब चलिए दोस्तों ये बातें हो गई, अब हर एक कैटेगरी का देखते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। 1212 वोट जनरल मेल में, हम मान लेते हैं कि 700 वोट जेन्युइन है, मतलब 700 लोगों ने रिपीट नहीं किया, उन्होंने जो वोट दिया सही दिया, 700 लोगों ने ही वोट दिया, मान ले जेन्युइन है। 700 में जितने लोगों, जैसे अभी 70% लोग, 75% लोग करेंगे वो 100 पार कर गए, अगर हम मान लेते हैं कि नहीं 75% ये फेक है, कम से कम आधे तो इसमें से, मतलब कि 100 में 75 बोल रहे हैं, तो हम ये तो मान सकते हैं कि 100 में 50 लोग तो सही बोल रहे हैं ना, 75 के 75 गलत बोल रहे हैं तो हो ही नहीं सकता है। तो मान लें 25 लोग फेक कर रहे हैं, तब भी हमें 50 लोग ऐसे, मतलब कि 700 लोग हमने माना, 350 लोग कम से कम दोस्तों इस कैटेगरी में 100 से ऊपर करने वाले हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, और जो जनरल का स्कोर था, वो जनरल का जो सीट है वो 400 से कुछ ऊपर है। तो आप ये मान लीजिए कि जनरल का कट ऑफ अगर ईमानदारी से सब कुछ रहा तो 95 से कम किसी हाल में नहीं जाने वाला है। दोस्तों सर्वे का जो डेटा आया है, सर्वे के डेटा को मैंने कम करके आपको मैं बोल रहा हूँ, सर्वे के डाटा को 30% डाटा को मैंने फ्रॉड मान लिया, गलत मान लिया, तब मैं आपको बता रहा हूँ, और 30% होगा दोस्तों, तब जाके मैं बोल रहा हूँ कि 95 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। ये जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बीसी मेल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर डेटा थोड़ा बदला बदला सा है, क्योंकि 40 और तकरीबन 55% लोग ही इस कैटेगरी में कह रहे हैं कि उनका जो स्कोर है वो 100 पार किया है, मान लें 35% ही होंगे असल में, अगर हम 35% भी मानते हैं और 448 में हम 300 लोगों को जेन्युइन वोटर मान लेते हैं, जिन लोगों ने वोट किया, तब भी हमें तकरीबन इसमें से 448 में से 100 लोग ऐसे मिल चुके हैं जो कि अपना स्कोर 100 के ऊपर बता रहे हैं, 100 लोग ऐसे मिल चुके हैं। तो इस कैटेगरी में आप माने तो 2-3 नंबर कम कर लें जनरल कैटेगरी के, अगर 95 जाता है तो 92 हो जाएगा, अगर वहां 100 चला जाता है तो ये कहीं 98-97 पर आके टिकेगा, ठीक है दोस्तों। ये तब मैं बोल रहा हूं अगर एग्जाम में कोई व्यापक धांधली नहीं हुई है, ठीक है। तो बाकी जो कैटेगरी वाले हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से 95 कट ऑफ जनरल मेल का, बीसी मेल का वही 92-93 के आसपास, और बाकी कैटेगरी वाले उसी तरह से अपना 2-2-3-3 नंबर कम करते जाएं, ठीक है। जो लड़कियां हैं, लड़कियों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनका 80 भी आ रहा है अगर, तो वो रेस में 80-85 नंबर भी अगर कोई लड़की ले आती है किसी भी कैटेगरी के अंदर, एससी, ईबीसी, एसटी, ये सब कुछ कैटेगरी है जहां पर अगर क्वालिफाई भी कर जाए तब भी 67.5 नंबर भी ले आए तब भी वो रेस में है, लेकिन अगर 80-85 ले आए तब तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पर ये जो कट ऑफ मैंने बोला है 95 मिनिमम जनरल मेल के लिए, ये तब लागू होगा जब एग्ज़ाम में कोई व्यापक धांधली नहीं हुई होगी। अगर बहुत बड़े लेवल पर धांधली होगा, जैसे अभी दरोगा का कट ऑफ किस तरह से हाई चला गया, पिछले बार से हर कैटेगरी में 6-6 नंबर ऊपर चला गया, 6-6 क्वेश्चन के बराबर मार्क्स, मतलब 12 नंबर, हर क्वेश्चन का 2 नंबर था, तो दोस्तों उस तरह से अगर हो गया, क्योंकि सीटें भी इस बार आया थी दरोगा में और क्वेश्चन का लेवल ही पिछली बार जैसा था, लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई चला गया क्योंकि धांधली हुआ था, तो अगर वैसा कुछ हो गया था उसको, फिर तो कहा नहीं जा सकता है कट ऑफ कहाँ रुकेगा, 110 जाएगा, 115 जाएगा, 108 जाएगा, लेकिन जेन्युइन तरीके से हुआ तो 95 वालों का सिलेक्शन होना चाहिए जनरल कैटेगरी से एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के अंदर।
यही दोस्तों सर्वे के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जिन लोगों को आगे भी सर्वे अभी भी ऑन रहेगा, तो जो लोग आगे भी सर्वे को देखना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। पर अभी की खबर यही है दोस्तों कि अगर टोटल सर्वे में से हम 30% लोगों को गलत मानते हुए उनको बाहर भी कर देते हैं, तब भी स्कोर 95 के नीचे नहीं जाता है जनरल मेल का। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपका है अमीन का पेपर, तो हम लगातार स्टडी मटेरियल ला रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स का